नमस्कार, हमारे पास चर्चा करने के लिए एक दिलचस्प विषय है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी गोल के बजाय चपटी होती तो क्या होता? इस वीडियो में हम इसी काल्पनिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम काल्पनिक परिदृश्य में कोई आइए पृथ्वी को संक्षेप में समझते हैं। हम सब पृथ्वी को आमतौर पर एक चपटी गोलाकार डिस्क के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ है ज्यादातर गोल और ध्रुव पर चपटी। लेकिन ये तो हो गई साइंटिफिक बात। अब हम कल्पना करते हैं कि पृथ्वी गोल ग्लोब के बजाय सपाट डिस्क होती तो और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करे। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसे तीन भागों में बांटा है। पहला है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है जलवायु और मौसम परिवर्तन, तीसरा है भूगोल और मानचित्र परिवर्तन। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि पृथ्वी का समतल और सपाट डिस्क होने से कई परिवर्तनों में से गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल अब समान रूप से पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई भी चीज को नहीं खींच पाएगा, या तो इससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जैसा कि आप चांद पर देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं जलवायु और मौसम परिवर्तन के बारे में। चपटी पृथ्वी के कारण मौसम में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, जैसा कि पृथ्वी के तापमान में बहुत बदलाव हो सकता है। कई जगह भारी ठंड हो सकती है तो कई जगह भारी गर्मी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि गर्मी क्यों ज्यादा होगी या ठंडी क्यों ज्यादा होगी। पहले बात करते हैं गर्मी या तापमान के बारे में। क्योंकि पृथ्वी चपटी है तो सूर्य का प्रकाश समान रूप से पूरी धरती पर समान होगा, जिससे सूर्य की किरण हर जगह जगह तक पहुंचेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक हो सकता है और कई क्षेत्रों में सूखा और भीषण गर्मी हो सकती है। पृथ्वी चपटी होने से जिस जगह ठंडा क्षेत्र है या बर्फ के पहाड़ है, उस जगह हमेशा ठंड रहेगी और बर्फ पड़ती रहेगी। क्योंकि पृथ्वी चपटी होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश सीधा बर्फ के ऊपर पड़ेगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हुआ, जिससे वह बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। अब बात करते हैं भूगोल और मानचित्र परिवर्तन के बारे में। अगर पृथ्वी चपटी होती तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी दुनिया का नक्शा ही अलग होता। पता नहीं कौन सा महाद्वीप किससे जुड़ा होता, या पूरे पृथ्वी का जितना भी भूखंड है वह एक साथ जुड़ा होता। या तो ऐसा भी हो सकता है कि धरती पूरी समतल होती और धरती के ऊपर एक भी पर्वत नहीं होते। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये काल्पनिक वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और मैंने भारत की गंदगी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर क्लिक करिएगा और पूरी वीडियो देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत गंदगी के मामले में नंबर वन पर है। और हमें भारत को स्वच्छता के मामले में नंबर वन पर लाना है, तो मैंने इस वीडियो में ही इस समस्या का समाधान भी बताया, तो इसे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।